नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज पर। आज बात कर रहे हैं धामपुर से शिवसेना की। जी, शिवसेना के जिला नगर प्रमुख विजय जैन का कहना है कि धामपुर नगर पालिका के अंतर्गत जो इस कार्यकाल में सड़क बनी है उनकी जांच की जानी चाहिए, उनमें अनियमितताएं हैं, उनमें घोटाला है। और साथ ही साथ एक और योजना जो रिबोल के नाम पर जो कार्य किया गया है उसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं हैं, घोटाले हैं। इसको लेकर उन्होंने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किए हैं, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के कारण उनको समाप्त किया गया है। तो वो उनका जानने का प्रयास है कि प्रशासन ने उन पर क्या कार्यवाही। आइए दिखाते हैं आपको क्या कहना है विजय जैन का। मेरे साथ हैं, नगर पालिका के कई कार्यों में अनियमितता पाई जाती है जैसा कि विजय जैन जी का कहना है। उसी संदर्भ में वो हमेशा जो उनके मुद्दे हैं वो नगर के सामने रखते रहते हैं। तो अभी आज जो आपने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय को, किस संदर्भ में क्या जानना चाहेंगे भाई साहब? सबसे पहले संदर्भ क्या, दो दिन धरने हमारे नगर पालिका धामपुर में हो गए, दो तीन धरने यहाँ हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। हमारी मांग ये थी कि नगर में जितनी भी सड़कें इस कार्यकाल में बनी है धामपुर में, कम से कम 5 सड़कों की इंक्वायरी करी जाए कि मानक के अनुरूप काम हुआ उसमें या नहीं हुआ। दूसरा, अभी 70 लाख रुपये का घोटाला हुआ है, 70 लाख रुपये रिबोर के नाम पर, नलों के रिबोर के नाम पर 70 लाख रुपये नगर में खाए गए हैं नगर पालिका धामपुर में। हम इसकी जांच की मांग कर रहे हैं, इसी संदर्भ में ज्ञापन दिया। और हमारी अगर जांच नहीं होती है, उप जिलाधिकारी के यहाँ पहले भी धरने दे चुके हैं, नगर पालिका में धरने दे चुके हैं, अगर हमारी जांच नहीं होती है तो हम लोग जो है भाई साहब 5 जुलाई को आमरण अनशन सब कुछ करेंगे जो हमसे हो सके। ठीक है, तो देखिए, बात कर रहे थे विजय जैन थे मेरे साथ, और उनका कहना है कि उन्होंने जो मांगे रखी हैं उस जिलाधिकारी के समक्ष, नगर पालिका में जो अनियमितताएं हैं उसके संदर्भ में अगर उन पर कार्यवाही नहीं होती है तो वो धरना प्रदर्शन या आमरण अनशन 5 जुलाई से वो प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।